स्लाविंग स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 12। जनरल रियाजी में 1.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, हमारे पास जी 8x क्यूब एंड प्लस 27y क्यूब। तो इसमें अब हमने देखना कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होगा जिससे ये हल होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता ही देता हूं कि फॉर्मूला है जी इसमें ए क्यूब एन प्लस बी क्यूब। वैसे खोलेंगे कैसे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी एन प्लस बी स्क्वायर के दो रकमें होंगी जैसे ए और बी है, उनके ऊपर सेपरेट क्यूब होंगे। तो सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला अलग है, अगर होल क्यूब होगा फिर फॉर्मूला और है। तो ये फॉर्मूला होगा सेपरेट क्यूब का। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में इसको बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्यूब फॉर्म में नहीं है, हाफ क्यूब है, हाफ क्यूब बनाना है आपने। तो हम इसे स्टार्ट लेते हैं सॉल्यूशन से कि 8 जो है 2 का क्यूब, यानी 8 का भी हमें क्यूब बनाना होगा। 2x होल क्यूब हो गया, और 27 से क्यूब बनेगा 3 का, यानी 3y का क्यूब बना लिया। अब यहां पर प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म इसने कंप्लीट कर दी, यानी फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म अब आपकी रेडी होगी। अब हम क्वेश्चन को ले जाएंगे इस साइड की तरफ। तो वो साइड कैसी है वो मैंने आपको बोला कि फर्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज को पुट करेंगे, सेकंड स्टेप में हम उन्हें ओपन कर देंगे, या तो आंसर सेकंड स्टेप में आ जाएगा या फिर थर्ड स्टेप में मैक्सिमम आंसर निकल आएगा। वो कैसे होगा जी, पहले जी ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी, फिर है जी ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी एन प्लस बी स्क्वायर। ए है हमारे पास 2x और ये है जी हमारे पास 3y। 2x 3y एंड 3y, ये जी हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम ये ओपन करते हैं तो ये आएगा जी 2x एन प्लस 3y, और ये अब हमारा हो गया 2x का स्क्वायर खोलेंगे तो कैसे होगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 3 6, तो 6xy एन प्लस 9y स्क्वायर, ये है जी हमारा आंसर। अब यहां देखेंगे तो मजीद ये किसी और स्टेप में हम एक स्टेप भी इसमें ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज आंसर बाय फॉर्मूला ऑफ सेपरेट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसमें है जी x6 माइनस 7 2 9 y 6। इसमें देखिए क्यूब का फॉर्मूला यहां लग सकता है, लेकिन जो वैल्यूज है हमारी वो 6 में चली गई हैं। हमारे पास शॉर्टेस्ट वे एक और है कि हम इस पे सबसे पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, उसके बाद हम क्यूब कराएं। तो वो कैसे, चूंकि यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस होता तो फिर हमने डायरेक्ट ए की फॉर्मूला सॉल्व करना था। अब चूंकि माइनस है तो हम एक दफा स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाएंगे। वो कैसे, एक्स क्यूब आप अंदर रख लो और स्क्वायर आप बाहर ले जाओ, यानी 6 है ना, ये 6 को आप क्या दोगे, 3 2 6, तो क्यूब अंदर ले लो और स्क्वायर बाहर, क्योंकि हमें पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ये 7 to 9, 27 का स्क्वायर होगा y क्यूब और स्क्वायर बाहर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने लिखा नहीं है, वो था जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो खोलते हैं, एक दफा प्लस कर देते हैं और एक दफा उसे माइनस कर देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला जी हमारे पास ये फॉर्म आ गई है कि एक दो यानी रकमें हैं उनके ऊपर स्क्वायर हैं, दरमियान में उनके माइनस है, यानी दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो,
तो क्या किया जाता है, एक दफा प्लस किया जाता है और एक दफा माइनस। तो फिर अभी ने इसको हम पूरे को ए समझेंगे, इसको हम बी समझेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 27 वाई, एक्स क्यूब 27 वाई क्यूब, फिर एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब। ये चीज हमारी दो रूप में निकले। अब हमें इनके क्यूब बनाने हैं, यानी फर्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर से हल कर दिया, सेकंड स्टेप में हमें अब हल करना होगा क्यूब से। तो वो कैसे जी, इसकी इसमें हम बना देंगे एक्स का क्यूब, क्यूब अब बाहर ले आओ, और ये जी 3y इसका भी क्यूब, यहां जी एक्स का क्यूब माइनस 3y का क्यूब। अब हम सबसे पहले इसे खोलेंगे। अब हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला कौन सा है, क्यूब का फॉर्मूला वो कैसे जी, क्यूब का फॉर्मूला है a, a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो फिर हम लिखते हैं एक दफा वैसे ही लिख लेते हैं, फिर एक दफा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जी क्यूब का फॉर्मूला है। और अगर क्यूब माइनस में हो तो फिर कैसे खोलेंगे, एक दफा वैसे ही लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी एम प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस वाले में दोनों जगह पे प्लस होगा और प्लस वाले में सिर्फ यहां पर माइनस होगा ए बी के साथ। अब जी हमें प्लस वाला फॉर्मूला यहां लगाना है और माइनस वाला फॉर्मूला हमें यहां लगाना है, तो करते हैं जी हम इसे कैसे है, एक्स प्लस 3y है तो पहले हम करेंगे x प्लस 3y, एक दफा तो वैसे ही लिख लिया। आगे है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर एंड माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस वाला भी इसी तरह करेंगे, x माइनस 3y फिर a स्क्वायर प्लस ए बी एन प्लस बी स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, एक्स एक्स 3y 3y, एक्स एक्स 3y 3y। अब इन्हें खोलेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस 3y, इसे खोलेंगे एक्स स्क्वायर और इसे करेंगे तो माइनस एक्स 3xy माइनस 3xy एंड प्लस 9y स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9y स्क्वायर। ये जी हमारा एक सेक्शन यहां सॉल्व हो गया। अब दूसरा सेक्शन देखते हैं, इसे खोलेंगे x माइनस 3y, इसे देखेंगे x स्क्वायर प्लस 3xy एंड प्लस 9y स्क्वायर। देखिए जी हमने सबसे पहले क्या किया, एक दफा तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस किया, उसके बाद फिर हमने क्यूब का फॉर्मूला लगाया, एक प्लस वाला क्यूब बना एक माइनस वाला क्यूब बना, और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा फाइनली एंड हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ही ऐसा है। सबसे पहले हमें उसे स्क्वायर फॉर्मूला सॉल्व करना है। 864 होगा जी 8 a क्यूब का स्क्वायर और b 6 होगा क्यूब स्क्वायर। हम उसे एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस, 8a क्यूब प्लस b क्यूब, 8a क्यूब माइनस b क्यूब। ये जी हमने स्केल के फॉर्मूला से दोनों को सॉल्व किया। अब हम इनके क्यूब बनाएंगे, यानी 2a क्यूब एंड प्लस b क्यूब, 2a क्यूब एंड माइनस b क्यूब। अब
जी ये हमने पहले स्क्वायर से हल किया, अब हमें क्यूब, अब ए क्यूब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब में माइनस का फॉर्मूला, चूंकि हमने पहले लिखे में प्लस वाले क्यूब का फॉर्मूला ये है और माइनस वाले क्यूब का फॉर्मूला ये, तो हम इसे सबसे पहले वैसी वैल्यूज पुट करेंगे प्लस बी, तो यहां आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी एन प्लस बी स्क्वायर। इस तरह दूसरा भी 2a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एन प्लस बी स्क्वायर, ये है जी 2a 2a यहां b b 2a 2a b b, इन्हें आप बोलें ये बनेगा 2a एन प्लस बी, 2a का स्क्वायर खोले तो ये बनेगा 4a स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी। इस तरह इसको भी खोले 2a माइनस बी, और इसे खोले 4a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस केस में बड़ी खास चीज है, अगर कहीं यहां ये 2 एक साथ 2 ना होता तो इसमें होल स्क्वायर भी बन जाना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हमें ये वैल्यूज दी गई हैं और हमें कहा गया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा। हम ना यहां से ये जो वैल्यू जो ए माइनस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 4 हम ये ले लेंगे बाय टेकिंग क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब फाइंड करना है लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे हम क्यूब ले लेंगे। जब क्यूब लिया तो हम इधर a माइनस बी इसका भी क्यूब और ये 4 का भी क्यूब। अब 4 चूंकि उसमें एक ही वैल्यू है इसमें तो हम सिंपल ही खोल लेंगे यानी 4 का क्यूब, लेकिन यहां पर 2 वैल्यूज है। इसको हम फॉर्मूला से खोलेंगे तो वो कैसे होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये जी हमारा क्यूब का फॉर्मूला है। और ये 4 कैसे होगा, 4 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब यहां देखिए a माइनस बी की कीमत क्या थी, ऊपर a माइनस बी होता है 4 के इक्वल और ab किसके इक्वल है माइनस 5 के। हम यहां पे इनकी वैल्यूज भी पुट करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab की जगह पे आ जाएगा माइनस 5 और ab की जगह पे आएगा 4 एंड 64। हमें जस्ट ये फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 15 4 जा 60। अब ये जो 60 है इस तरफ प्लस है, अगर इक्वल टू साइड पे जाएगा तो ये होगा माइनस, तो 64 माइनस 60 कितना होगा 4, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का आंसर आएगा 4। ये तो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। वन ओवर z फिर आगे है माइनस z माइनस 1 ओवर z इज इक्वल टू है जी 4। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें 2 साइड्स हैं, हम ना ये साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, मतलब इस साइड को हम लेके तो सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों के ऊपर जो स्क्वायर है
इसका एक फॉर्मूला हमारे पास था कि जब a प्लस बी होल स्केयर हो प्लस a माइनस बी होल स्केयर हो तो वो इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्केयर सॉरी माइनस a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू होता है ये 4ab। अगर इनके दरमियान प्लस हो तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन एक तो ये, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं, हम इसे सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल मेथड क्या है कि हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ओके जी, z प्लस वन ओवर z इसका भी होल स्केयर है माइनस z माइनस वन ओवर z इसका भी होल स्केयर। हम क्या करते हैं कि इन्हें ओपन कर देते हैं, तो इनका फॉर्मूला क्या है, स्केयर का फॉर्मूला हमने पहले भी किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। मतलब ये मैं साफ ही कर देता हूं, इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं, जी ए प्लस बी अगर होल स्केयर हो तो खोलते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, अगर ए माइनस बी होल स्केयर हो तो फिर खोलते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। अब हमें यहां पर हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहां हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो कैसे होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, इसी तरह माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। ये जी आ गया जी, ये आ गया वन ओवर जी, ये आ गया जी, ये आ गया वन ओवर जी, ये जी जी ये वन ओवर जी, ये जी एंड वन ओवर जी। जी को कैसे बोलेंगे, जी स्केयर एंड प्लस वन ओवर जी स्केयर, और ये z z से कैंसिल हो गया तो प्लस आ गया जी टू। इसका इधर भी z स्क्वायर एंड प्लस वन ओवर z स्क्वायर एंड माइनस टू, ये कट गए तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन यहां में चूंकि माइनस है हम साइन चेंज करेंगे, z स्क्वायर प्लस वन ओवर z स्क्वायर एंड प्लस टू माइनस जी स्केयर माइनस वन ओवर जी स्केयर एंड प्लस टू। जी माइनस का, जी प्लस का, वन ओवर जी प्लस का, वन ओवर जी माइनस का, तो बचा क्या टू एम टू, क्या कितना हो गया फोर, आंसर आ गया जी फोर। यानी सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक मैंने इससे एक दूसरा फॉर्मूला लगाने लगा था कि वो फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर माइनस a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 4ab। अच्छा बेटा, आपने हमारी वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बाद हमें जो अपना हमारी वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करिए, अगर कोई इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो आपको समझ ना आए हों तो उस पर भी हमें कमेंट करिए, हम इंशाल्लाह आपकी वो तमाम प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनको देखने के बाद हम मज़ीद उनके सॉल्यूशन के लिए मज़ीद अपनी वीडियो बना के तो अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे। उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको अनेबल करिए ताकि जो भी हमारी नई से नई वीडियोज़ आए वो आपको अपडेट उनकी मिलती रहे और हमारा आप लोगों से एक ताल्लुक रहे। तो इसके लिए जो हमारा चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।